हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखिए, आज के योग क्लास में कुछ खास ऐसे आज प्राणायाम को और सांसों संबंधित क्रियाओं को आज शामिल किए हैं, जिसको करने से आपका जो पाचन तंत्र है वो 100 से 110% तक वो आपका इतना स्ट्रांग कर देगा और इतना मजबूत कर देगा कि आप कुछ भी खाकर कुछ को पचा सकते हैं। दूसरी बात, आपकी कॉन्स्टिपेशन की, आपकी पैनक्रियाज की, आपके लीवर, किडनी फंक्शन, यानी पेट के अंदर जितने भी सिस्टम काम करने वाले हैं, वो उनकी एक प्रकार से अगर देखें तो सर्विसिंग हो जाती है। और जो आपको पता ही है कि किसी भी तंत्र का जब सर्विसिंग हो जाता है तो कितना अच्छी तरीके से वो चलने लगता है। तो ये हमारा जो शरीर है, ये पंच महाभूतों का मिश्रण है और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। इन सिस्टमों को अच्छी तरीके से सर्विस देने के लिए इनको समय समय पर इनको आपको रिवाइटलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए आप जानते हैं आज कि कौन कौन से ऐसे इंटरनल जो एक्सरसाइजें हैं श्वसन से संबंधित, जिनको करने से आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत। यानी कि इसको वही प्राणायाम बोला जाता है और वही प्राणायाम करने में तीन प्रकार के बंध लगाए जाते हैं, यानी कि मूलाधार बंध और उड़ियान बंध और उसके साथ जलंधर बंध। जब ये तीनों बंध हम लगाते हैं तो हमारा पेट के अंदर से जितनी भी हवा है वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है, जिससे हमें पेट के अंदर के जो सिस्टम है उनको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलता है। उसके साथ साथ आप इसी के अगले कड़ी में नौली क्रिया आती है। नौली क्रिया करने की आज कोशिश करेंगे कि उसको कैसे कैसे किया जा सकता है, राइट है। कहते हैं जब नौली क्रिया किया जाता है, नौली क्रिया से इतना ज़्यादा फायदा हमारे जो पाचन तंत्र के अंदर जितने भी समायोजन, जो पाचन क्रिया को ठीक करने वाले जो भी सिस्टम लगे हुए हैं, वो सारे के सारे सिस्टम इतना बढ़िया और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है जाग जाइए के। उसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी आपको शरीर के अंदर प्रवाहित होती है और उससे हमारा जो भोजन है इतना बढ़िया तरीके से पच जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता है। उसके साथ साथ देखिए, जो नौली क्रिया होती है, नौली क्रिया जो है यौगिक क्रिया का एक हिस्सा होता है और यौगिक क्रिया जो होती है जिसके अंदर 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें कपालभाति से लेकर के सूत नेति, धोती नेति, बमन धोती और उसके साथ साथ नौली क्रिया। बने रहिए योगा भाई संजय पांडे जी के साथ में, ऐसे ही ढेर सारे हेल्थ टिप्स आपको हम देते रहेंगे और आसनों को कैसे कैसे किया जाए और सांसों से संबंधित जो भी एक्सरसाइजें हैं उनको कैसे किया जाए, ताकि हमारा इंटरनल जो भी सिस्टम है वो सारा का सारा बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध रहे और आसन को आप भी करें ताकि आपका शरीर जो है बलिष्ठता के साथ में और पूर्ण तरीके से रिवाइटलाइज हो जाए और उसको ढेर सारा आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। देखिए, कुछ सावधानियों का अगर बात करें तो ऐसे लोगों को इस प्रकार के आसन को नहीं करना चाहिए जिनको हार्ट डिजीज से संबंधित या फिर पेट पे किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखते हो या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग, इनको इस प्रकार के आसन को नहीं करना चाहिए, या फिर करें भी तो वो किसी योग चिकित्सक के सलाह से या फिर उनके परामर्श से ही करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी चर्चा जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, ढेर सारा धन्यवाद, नमस्ते।